गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और चाटा से लेके मीरा साहब को टच करता विधानसभा क्षेत्र है और विशेष करके अब जब नई कॉलोनीज डेवलप हुई हैं तो उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना एक हमारी बेसिक जिम्मेवारी बनती थी। यहाँ हमारा विशाल कॉलोनी का एक डेपुटेशन कुछ दिन पहले मेरे पास आया था जहां इन्होंने बताया था कि हम लोगों ने कॉलोनी को डेवलप करने का पूरा प्रयास किया है लेकिन जो बेसिक एम्यूनिटीज है चाहे वो बिजली है पानी है सड़क है उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। फिर मैंने इनको इंश्योरेंस दी थी कि मैं जब तक मौका नहीं देखता हूं मैं कोई भी फैसला नहीं करता। फिर आज हमने मौके पे आके यहां पे टूर किया है और यहां पे हमारे स्थानीय जितने भी यहां के निवासी हैं जिन्होंने इस कॉलोनी को डेवलप किया है वो भी हमारे साथ हैं। हमारे मंडल प्रेसिडेंट भारत भूषण जी भी हैं और मैंने यहां इनके बैठे ही कंसर्न एक्सीएन पीडब्ल्यूडी पीडीडी और पीएचई के साथ बात की है। हमारे कंसर्न जूनियर इंजीनियर्स भी हमारे साथ हैं और हमने इनको एश्योरेंस दी है कि आप पहले अपने आप को रेगुलराइज करवाइए अपने कनेक्शन रेगुलराइज करवाइए ताकि आने वाले दिनों में अभी जो केवल मात्र 100 केवी ट्रांसफार्मर पे पूरी कॉलोनी चल रही है हम नया स्टेशन यहाँ क्रिएट करवाएंगे और 250 केवी का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करवा के दें ताकि पूरे इलाके को 24x7 ठीक से बिजली मिले। वैसी स्थिति पानी की है और पानी के लिए भी मुझे एक्सिन साहब ने इंश्योरेंस दी है कि उनकी टीम आएगी वो पूरा सर्वे करके हम देखेंगे जितनी जल्दी हो सकता है अगर यहाँ बोरवेल करने की जरूरत पड़ी तो बोरवेल भी करेंगे अदरवाइज जो भी सोर्स पड़ेगा हम यहाँ तक पानी पहुंचाएंगे क्योंकि हमारी जो कोशिश है कि गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र का हर नुक्कड़ कॉर्नर पे जाके लोगों की समस्याओं को सुना जाए और जो कमियां पीछे रही है हम तो केवल मात्र 3.5 वर्ष सरकार में रहे लेकिन उससे पहले कोई 12 वर्ष रहा कोई 6 वर्ष रहा जो लोग सत्ता में रहे कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को नजरअंदाज किया गया सिर्फ दिखावे के लिए कि हमने बहुत कुछ किया है कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने नॉर्चर किया है। मुझे लगता है कि आज लोगों के सामने ही है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी तरह से अंडर डेवलप्ड है और मैंने एश्योरेंस दिया है कि हम झूठा वादा कोई नहीं करके जाएंगे जो काम आपका टेकअप करेंगे उसको ठीक अंजाम तक पहुंचाएंगे ताकि आपका विश्वास हमारे साथ बने रहे और मैं यकीनन थोड़े दिनों तक हम दोबारा भी इनके बीच में आएंगे जितनी जल्दी हो सकेगा इन रोड्स का भी काम टेकअप करेंगे ट्रांसफार्मर का भी यहां सबस्टेशन 250 केवी का इंस्टॉल होगा और पानी की लाइन्स भी जो है इनके घर तक पहुंचा के देंगे।